नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो संसद का सत्र इस समय चल रहा है, 18वीं लोकसभा का संसद का सत्र जो पिछले 5 दिन पहले जो है वो शुरू हुआ था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज सुबह भी संसद से कुछ विजुअल्स देखने को मिले, जब हाथ में प्रतियां लेकर आम आदमी पार्टी के केवल 4 सांसद मौजूद थे और वहां पर नारेबाजी कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और नारेबाजी क्या कर रहे थे कि केजरीवाल को रिहा करो, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, इस तरह के नारेबाजी। और हाथ में जो है तख्तियां उन्होंने ली थी, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, केजरीवाल को रिहा करो। इसमें संजय सिंह उसको लीड कर रहे थे। खैर, लीड तो क्या ही करेंगे, 4 ही लोग थे वहां पर। अब देखिए, सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो सामने आई है तो लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और दें भी क्यों ना। सबसे पहले लोग ये कह रहे हैं कि आप 4 ही क्यों दिखाई दे रहे हैं, अभी तक तो पूरा इंडिया अलायंस करके आप घूम रहे थे। कहां गए आपके 230-232 जो आपका आंकड़ा था, कहां है? चलिए इतने नहीं है तो 200 होते, 150 होते, 100 होते, आप तो 4 ही लोग दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी पूरे सांसद मौजूद नहीं है वहां पर। सवाल उठ रहे हैं, राघव चड्ढा कहां गए, हरभजन सिंह कहां गए? खैर, स्वाति मालीवाल तो वो तो अब जो है आम आदमी पार्टी के जो पूरा अभी थ्योरी चल रही है इससे ही बाहर है। लेकिन बाकी सांसद कहां पर हैं? क्योंकि स्वाति मालीवाल के साथ तो खुद ही बदसलूकी हुई है सीएम हाउस में, जैसे उन्होंने कहा था। अभी देखिए लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं यहां पर इससे प्रोटेस्ट की। आकाश है यूजर, वो इसी पर लिख रहे हैं कि ये सबसे बड़ा मजाक है जुडिशरी का, और जो पर्सन अरेस्ट हुआ है सीरियस चार्जेस उन पर है, कोर्ट जो है कई बार बेल डिनाई कर चुका है, मल्टीपल ओकेजन्स पर जो है डिनाई कर चुका है, बेल नहीं देनी चाहिए क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और ये लोग जो हैं ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को रिलीज किया जाए, इनका कोर्ट में कोई फेद नहीं है, और अगर वो इनोसेंट हैं तो बेल क्यों नहीं मिली है। ये लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये मजाक बना रहे हैं जुडिशरी का। और ये कई बार सवाल उठे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो सच्चाई की जीत, और ये देखिए कट्टर ईमानदारी की जीत, अरविंद केजरीवाल की जीत, पटाखे फूटते हैं पूरी दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता फोड़ते हैं। जब जमानत पर वो बाहर आए थे 21 दिन के प्रचार प्रसार के लिए पैरोल पर, तब तो सब सही था। हाल ही में जब ट्रायल कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, और ये कहा था उसमें जमानत देते हुए कि ये बहुत लेंथी है, 1000 पेज पढ़ना, ये इतना आसान काम नहीं है, ये एक उसमें जजमेंट में जो है चीज जोड़ी गई थी, और उसके बाद जो है बेल दे दी गई थी उसको, हालांकि हाईकोर्ट में चुनौती मिली और बेल मिली नहीं। फिर वो उसके बाद सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, हाईकोर्ट ने भी जो है जो जमानत दी थी ट्रायल कोर्ट की उसको पलट दिया उस जजमेंट को। बहरहाल तो यहां पर लोग यही कह रहे हैं कि बेल मिल नहीं रही है, और जब मिलती है तो आप कहते हैं कि सब सही है, कोर्ट सही है, हमारी जीत हो रही है, सत्य की जीत हो रही है। लेकिन वही कोर्ट जब अरविंद केजरीवाल को जमानत डिनाई कर दे कि नहीं मिलेगी, सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, मनीष सिसोदिया के लिए कई बार कह चुके हैं, उनको तो आज तक जमानत नहीं मिल पाई, उस समय इसी कोर्ट के लिए कह दिया जाता है कि ये तो मोदी की है, जुडिशरी उनका है, सब कुछ जो है बीजेपी ने हथिया लिया है। और खुद संजय सिंह, मजे की बात यह है, संजय सिंह खुद जमानत पर बाहर है इसी मामले में, खुद इसी मामले में जमानत पर बाहर है, और फिर कहते हैं कि देखिए मोदी की जो है कोर्ट चल रही है, सीबीआई ईडी मोदी का चल रहा है, अगर मोदी का है तो फिर संजय सिंह बाहर कैसे हैं, ये भी अंदर होने चाहिए थे, ये कैसे बाहर घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो जमानत देते हुए शर्तें जो वहां पर मंजूर की जाती हैं, जो भी बाहर आता है जमानत पर, उनका तो सीधे सीधे बार बार उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इसी शराब घोटाले में जो है वो बाहर आए जमानत पर, आरोपी जो बनाया गया था उनको, और बार बार इसी के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि इस विषय पर आप बात नहीं कर सकते मीडिया में, पब्लिक डोमेन में, और बार बार इसको लेकर के कहते हैं कि देखिए जिस कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी, वो भी क्योंकि ईडी ने विरोध नहीं किया, उसी ईडी को लेकर के, उसी कोर्ट को लेकर के, देखिए अब क्या कहते हैं, ये तो उनका हो चुका है। बहरहाल और भी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, कह रहे हैं कि बाकी सांसद कहां हैं आपके, अगर वो सपोर्ट करने नहीं आ रहे आम आदमी पार्टी को तो उनका इस्तीफा ले लीजिए, 4 ही लोग तो दिखाई दे रहे हैं।
जिनमें से तीन लोग अगर बात की जाए तो इस बार के चुनाव में जीते हैं, लोकसभा के चुनाव में केवल तीन लोग जीते, केवल तीन सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बाकी सांसद कहां गए जो आपने अलायंस करके जिनके साथ लड़ा। खैर वो अलायंस क्या था क्या नहीं था वो तो सब जानते हैं। दिल्ली में अलायंस हो गया लेकिन पंजाब में अलायंस नहीं हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 7 में से 4 सीटों पर लड़ी, 3 पर कांग्रेस लड़ी, एक साथ अलायंस में लड़े, और पंजाब में अलग अलग लड़े, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े। और इनके कार्यकर्ता कहते थे जब 25 मई को दिल्ली में चुनाव हुआ तब तक एक साथ थे, 26 मई की सुबह इनके कार्यकर्ताओं ने डालना शुरू कर दिया चलिए अब पंजाब में चुनाव है 1 जून को, अब लड़ाई लड़ेंगे हम कांग्रेस के खिलाफ। और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हम लड़ाई लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और पिछले दिन तक एक साथ थे। तो देश की जनता सब कुछ देख रही है। बहरहाल एक और यहां पर यूजर हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कें पानी से भरी पड़ी हैं, एक बारिश में जो है पोल खुल गई है दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम की, वहां पर पानी की निकासी करके यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए काम करो तो आप जनता के साथ, जनता जो है आपके साथ जुड़ेगी। सरकार के साथ साथ MCD भी आम आदमी पार्टी के पास है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इनकी दिक्कत तो यही है, केवल आरोप दूसरों पर मढ़ना है। पिछली बार भी जब बाढ़ आई थी तो हरियाणा पर डाल दिया, बाकी चीजों पर डाल दिया, खुद का ड्रेनेज सिस्टम कितना सुधारा कितना नहीं उस पर कोई ध्यान नहीं आम आदमी पार्टी का। और कुछ लोग कह रहे हैं इनका तो काम शुरू से लेकर अंत तक केवल प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट, अपनी सरकार हो खुद ही जल मंत्री है तो भी उसमें भी प्रोटेस्ट करना है, तो यही काम है आम आदमी पार्टी का। लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। और भी लोग कह रहे हैं जल निकासी की क्या व्यवस्था की है आम आदमी पार्टी ने, आपकी सरकार ने, वाकई में दिल्ली में क्या नौकाएं बेचनी पड़ेंगी, वहां पर नौकाएं बिकेंगी यहां पर चलने के लिए, दिल्ली तो जलमग्न हो गई है। फिर आगे कह रहे हैं काम कर लो वरना पछताओगे, क्योंकि बहुत लोग जो है वो साथ छोड़ रहे हैं और केजरीवाल के लिए अब कोई बोल भी नहीं रहा है, किनारा करना शुरू हो गए हैं देख लो, क्योंकि इनके तो सारे विधायक 62 विधायक हैं, 125 से ज्यादा पार्षद हैं जो जीते हुए हैं, लड़े तो 250 थे, जीते हुए पार्षद छोड़िए विधायक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, पूरी कैबिनेट भी नहीं दिखाई दे रही है प्रोटेस्टों में दिल्ली सरकार की, तो कहां के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर देखिए कैसे दिखाते हैं, देश आज जो है पूरा आतिशी के साथ है, देश आज केजरीवाल के साथ है, देश आज देख रहा है, आपके विधायक आपके कैबिनेट तो आपके साथ दिखाई नहीं देती है। और सोशल मीडिया पर माहौल आप बनाते हैं देखिए देश आज हमारे साथ है, देश आपके साथ था तो 22 में से 3 ही सीटें क्यों जीती आपने, देश तो छोड़िए दिल्ली में आपकी सरकार है इतने समय से, दिल्ली में 7 में से चलिए 4 सीटों पर आप चुनाव लड़े, 3 सीटों को छोड़ दीजिए, 4 की 4 कैसे हार गए, पंजाब में 17 सीटों पर चुनाव लड़े, 3 सीटें आई हैं केवल 3 सीटें, और बाकी जहां लड़े वहां पर तो कोई सीटें ही नहीं आई हैं। बहरहाल अब यहां पर यही कह रहे हैं लोग कि संजय सिंह जो है खुद बेल पर बाहर हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है ये वायलेशन है उनकी टर्म्स का, ईडी को इस पर देखना चाहिए और वापस जो है संजय सिंह को अंदर लेना चाहिए। फिर कह रहे हैं क्या मजाक बना रखा है नेशनल कैपिटल का इन लोगों ने, काम करने के बजाय केवल प्रोटेस्ट करना प्रोटेस्ट करना प्रोटेस्ट करना, आधी दिल्ली इस समय पानी में है। कोई कह रहा है कि एक ऐसी पार्टी है धरने में ही चलती है ये पार्टी, और कुछ नहीं करना इनको केवल धरना प्रदर्शन करना, और अब तो सांसद भी केवल 4 ही ये दिखाई दे रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए सुबह के जो विजुअल्स आए हैं। बहरहाल अब क्या लग रहा है आपको, क्या केवल प्रोटेस्ट ही करना बाकी रह गया यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, और जब बार बार बेल डिनाई हो रही है और अभी तो CBI को रिमांड मिली हुई है अरविंद केजरीवाल की, इसमें भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि केजरीवाल को रिहा करो, और बाकी इंडिया अलायंस के इनके साथ ही इनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल क्या लग रहा है आपको, क्या राय है आपकी इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।